तस्वीरों में जो बाबा हैं वो बीच में बैठ करके और अग्नि तपस्या करते हैं। और ये आज उस जगह एक छोटा सा सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। अब हम बाबा से भी जानेंगे। परेशानी परेशानी काटने वाला परमात्मा है। हम लोग तो एक आधार है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार है। धर्म को कभी वैष्णव संप्रदाय से महात्यागी है, अमरदास बाल योगी महात्यागी नाम है। जंगल है, अच्छी जगह है भाई साहब। कुछ कहना चाहोगे लोगों से? अब लोगों से तो क्या कहना चाहेंगे, आए बाबा की सेवा करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज हम करौली से चल के मरमदा की घाटी करणपुर रोड पर आए हैं और यहां पर एक आश्रम है। आश्रम वीर हनुमान जी महाराज का बताया गया है और बड़ी प्यारी प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की। और एक बाबा इस आश्रम पर एक बाबा हैं जो पिछले एक महीने से अग्नि तपस्या कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो बाबा हैं वो बीच में बैठ करके और अग्नि तपस्या करते हैं। और ये तपस्या सुख शांति के लिए और की जा रही है। और बाबा का मानना है कि इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा वर्ग है और धीरे धीरे बाबा ने जब यहाँ निवास किया तो पिछले लोगों ने बताया था यहाँ पर एक टीन सेट था। और आज आप देख सकते हो भव्य मंदिर बनाए और बाबा ने यहाँ पर तपस्या की है और पिछले लंबे 4-5 साल से बाबा यहाँ रह रहे हैं। और अच्छा आश्रम हनुमान जी का यहाँ पर बन गया है। और ये जो बालाजी महाराज हैं, चमत्कारी बालाजी, दोस्तों ये बाबा की महिमा है कि जिस जगह पटर पहुँचता आज उस जगह एक छोटा सा सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। अब हम बाबा से भी जानेंगे उनका क्या नाम है और कब से निवास कर रहे हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे हम। बाबा सीताराम। सीताराम महाराज जी, कहाँ पर निवास कर रहे हो आप इस टाइम? यही है मरमदा की घाटी, मरमदा गाँव, मरमदा की घाटी। और कब से निवास कर रहे हो महाराज जी? हो गए 4 साल हो गए कम से कम। और जो ये आप धोनी तप रहे हो उसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण क्या है इसमें, ये भगवान का भजन है। संसार कल्याण हेतु के लिए भजन किया जाता है, महाअग्नि तप की जाती है। जैसे अभी शुरुआत है तो अभी थोड़े थोड़े अग्नि लगाए जाते हैं ठंड के मौसम के अनुसार से। जब गर्मी आएंगे, बैसाख जेठ का महीना आएगा, ये विशाल रूप से रूप धारण करेंगे। मतलब अभी छोटे छोटे हैं और धीरे धीरे कंडों की संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, ये बहुत ज्यादा विशाल रूप में प्रज्वलित होंगे अग्नि। इनके बीच में बैठ के संसार कल्याण हेतु के लिए अपने भजन करते हैं। महाराज जी, इस आश्रम की खासियत क्या है, अच्छी चीज क्या है यहाँ जो भक्त आते हैं? अच्छी चीज यही है, हनुमान जी है। हनुमान जी पहले इस रोड पे थे, पहले कोई पत्थर रोड में फंस गया था तो नहीं निकल रहे थे। हनुमान जी के नाम लेके पब्लिक ने इसको निकाल दिए, तब हनुमान जी के नाम से इनको यहाँ पे रोप दिया गया। पड़े रहे 25-30 साल तक, जब इनकी भगवान की कृपा हुई हम आए, जब ये छोटा सा मंदिर इनका बन गया सुंदर सा, यही भगवान की कृपा है हनुमान जी की। हाँ महाराज जी, अगर भक्त लोग इस आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? जुड़े आए यहाँ पे, हमारे संगत में आए, उठे बैठे सत्संग में थोड़ा भाग लें, दो पकन बातें सुने संतों की, तपस्या देखें कि कैसे संत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, इतनी विशाल तपस्या कैसे करा जाता है, इतना संघर्ष करने में क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है। अब संसार जुड़ेगा जब भी फायदा पड़ेगा, पता पड़े ऐसे क्या पता पड़ सकता। हाँ महाराज जी, कोई भक्त अपनी परेशानी लेके भी आ सकता है यहाँ? अब परेशानी तो ले आने को बहुत से लोग ले आते हैं परेशानी। अब परेशानी काटने वाला परमात्मा है। हम लोग तो एक आधार है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार है। धर्म को कभी नीचे नहीं झुकने देना है, अपना काम है, धर्म को कभी बढ़ाए रखो। धर्म कभी नीचे नहीं होना चाहिए।
सबके कल्याण होना चाहिए। दुखिया आ जाए तो उसके भी कल्याण हो। भगवान का दरबार क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है कि जो आए तो दुखिया का उस दरबार में कल्याण हो। महाराज जी, रात्रि में अगर कोई आता है यात्री, तो वो यहाँ रुक सकता है आश्रम पर? वो आनंद से खूब सब चीज़ के आनंद है, खाने पीने रहने सोने सब चीज़ के सर्व आनंद है, सब हनुमान जी की कृपा है। हाँ महाराज जी, एक बार अपना पर्चा और बता दीजिए। पर्चे यही है हमारा, हम यही महेश्वरा धाम में पहले रहते थे। यहाँ जंगल में एक महेश्वरा धाम है भोलेनाथ का कुदरती शिवलिंग, पहले वहाँ पे 6 साल जंगल में रहते थे, 6 साल। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ 4 साल हो गए, 10-12 साल हो गए इस जंगल में हमें रहते रहते। वैष्णव संप्रदाय से महात्यागी हैं, अमरदास बाल योगी महात्यागी नाम है। दोस्तों ये थे हमारे साथ बाबा, और अभी हम आपको इनकी जो कुटिया है राम कुटिया वो भी एक बार दिखा देते हैं, और कुछ भक्त भी हैं उनसे भी हम बात कराएंगे आपकी। ये देख सकते हो साथियों, ये बाबा का धुना है और एक शिवालय भी है छोटा सा। जय हो भोलेनाथ। और ये बाबा का धुना है, प्रसादी में चाय बन रही है अभी। और भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हल्के मीना भाई साहब। हल्के जी कहाँ से हो आप? गुड़गांव से। और यहाँ क्यों आए हो आप? यहाँ आए बाबा से मिलने, बाबा की सेवा करवे। यहाँ आने से आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे जंगल है, अच्छी जगह है भाई साहब। कुछ कहना चाहोगे लोगों से? अब लोगों से तो क्या कह बचाएंगे, आए बाबा की सेवा करे, तपस्या कर रहे हैं बाबा 4 महीने की। अब तो यहाँ एक दूसरा आए तो बढ़िया रहे बैठे। और एक कैसी तपस्या है थोड़ा सा बताओगे आप? नहीं, बहुत अच्छी तपस्या है बाबा की। 1.5-2 घंटे अग्नि जला के चारों तरफ बैठते तो अच्छे हवाब से करते हैं मतलब। हाँ साथियों ये देख सकते हो आप, ये जो बाबा की कुटी है और यहाँ पर भक्तगण एक दो बने रहते हैं। और आप भी यहाँ आइए, बाबा के दर्शन कीजिए और हनुमान जी महाराज चमत्कारी हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।